मी जस्ट गो ऑन टू अदिति टू हेल्प अस अंडरस्टैंड, क्योंकि 17 दिन अब अदिति हो चले और आज की भी जो तस्वीरें आ रही हैं, आखिरकार कितने कितने जो प्लान्स हैं उन्हें फोकस में डाला जा रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग अब बताया जा रहा है, मैनुअल ड्रिलिंग का भी सहयोग लिया जाएगा। जी बिल्कुल अमिता, और चलिए जान लेते हैं कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, आखिर 17 दिन क्यों लग रहे हैं ट्रैप्ड लोगों को बाहर निकालने के लिए। सबसे पहला चैलेंज जो रेस्क्यू टीम फेस कर रही है वो है वाइब्रेशन फ्रॉम ड्रिलिंग। जब बहुत बड़े इक्विपमेंट ड्रिल कर रहे हैं माउंटेन की सर्फेस को, तो उससे वाइब्रेशन हो रही है, जिससे लोग तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो स्लो जा रहा है। उसका सोल्यूशन क्या है जो रेस्क्यू टीम यूज कर रही है, वो है सेंसर्स डिप्लॉय कर दिए हैं वहां पर, जो मॉनिटर कर रहे हैं कि कितना वाइब्रेशन हो रहा है और किस गति से वो रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ सकता है। दूसरे चैलेंज की जब हम बात कर रहे हैं वो है फियर ऑफ रूफ कोलैप्स। जब वो ड्रिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो जो वाइब्रेशन हो रहा है उससे और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, कोई रूफ कोलैप्स हो जाए माउंटेन की सर्फेस में, कहीं दरारें आ जाए जिससे बाधा पड़ सकती है रेस्क्यू ऑपरेशन में। उसका सोल्यूशन ये है कि एक्स्ट्रा यूटिलिटीज लाइक फूड एंड वाटर स्टोर्ड। नाउ इससे अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए कि कुछ रूफ कोलैप्स हो जाती है, तो इसलिए रेस्क्यू टीम ने वहां पर कुछ और खाद्य पदार्थ पानी की व्यवस्था पूरी की है, ताकि अगर ऐसा हो जाता है और टाइम लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन में तो ट्रैप्ड वर्कर्स को पानी और खाना मिल सके। नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास है रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टोनी सर्फेस। जितने भी बड़े इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि एक माउंटेन को काटा जा रहा है। उसके सोल्यूशन के लिए ड्रिलिंग टेक्निक्स आर बीइंग मॉडिफाइड एवरी डे। जैसे ही हमने देखा ऑगर मशीन से नहीं हो पाया तो प्लाज्मा कटर्स बुलवाए गए, यही रेस्क्यू टीम का करना काम है। चैलेंज नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस हो रहा है उसके लिए हम न्यू ड्रिलिंग टूल्स भी इंडक्ट कर रहे हैं। हमने देखा कैसे बाकी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। चैलेंज नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना यहाँ पर, कि जब वो लोग अंदर फंसे हुए हैं 17 दिन हो गए हैं, तो कैसे उनकी मानसिक स्थिति है, जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं उनका मनोबल बनाए रखने के लिए वहां पर मौजूद डॉक्टर्स, काउंसलिंग टीम और मेडिसिन का पूरा ख्याल जो है रेस्क्यू टीम रख रही है। और हम मनोकामना करते हैं कि जल्द से जल्द ये सभी ट्रैप्ड वर्कर्स बाहर आए। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे जहां तक हमारे एक्सपर्ट्स है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे, ताकि और कोई मुसीबत का उन्हें सामना ना करना पड़े, और जल्द से जल्द अगर हो सके जितने भी फंसे हुए जितने श्रमिक है उन्हें बाहर निकाला जा सके। वहीं पर जो प्रार्थना और दुआएं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए।